टीम इंडिया ने 13 साल बाद वर्ल्ड कप तो जीत लिया है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया को दो बड़े झटके लग चुके हैं। पहला विराट कोहली के नाम पर और दूसरा रोहित शर्मा के नाम पर। जी हाँ, विराट कोहली के साथ साथ कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शर्मा ने भी T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संन्यास का ऐलान किया है। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने 159 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए 32.05 की औसत और 140.89 की स्ट्राइक रेट से 4,231 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा के नाम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 5 शतक और 32 अर्धशतक हैं। बता दें, रोहित शर्मा साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। रोहित भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा दुनिया के एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने बतौर खिलाड़ी और उसके बाद बतौर कप्तान T20 विश्व कप जीता है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम को इस प्रारूप के दूसरे वर्ल्ड कप में मार्गदर्शन देने के बाद T20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा कर दिए हैं और उन्होंने कहा, अलविदा कहने का सही समय आ गया है। ये तब हुआ जब उनके लंबे समय के साथी विराट कोहली ने फाइनल्स में केंसिंगटन ओवल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराने के कुछ ही मिनट बाद अपने शानदार करियर पर पर्दा डाल दिया। रोहित ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये मेरा आखिरी गेम भी था, अलविदा कहने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। मैं इस ट्रॉफी को बुरी तरह चाहता था, इसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा, मैं यही चाहता था और यही हुआ भी। मैं अपने जीवन में इसके लिए बहुत बेताब था। खुशी है कि इस बार हमने सीमा पार कर ली। आपको बता दें, 37 साल के रोहित शर्मा ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भारत का नेतृत्व किया था, जहां टीम सेमीफाइनल में अंतिम चैंपियन इंग्लैंड से हार गई थी। वहीं एक साल बाद उनके नेतृत्व में साल 2023 में भारत घरेलू मैदान पर 50 ओवर के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, लेकिन अहमदाबाद में फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने हार गई। और 2024 में 24 जून ये वो दिन था जब रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया के नाम कर दिया है। अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप से संन्यास लेना चाहिए था या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।